thank you हेलो एवरीवन स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर फ्लो ऑफ फ्लूइड साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन तीन पार्ट्स आते हैं इनके जो है कंप्लीट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे एंड एम के साथ साथ उनके आंसर्स क्या है वो भी हम बताएंगे एंड एक्सप्लेनेशन जो है कि वो आंसर किस तरीके से है वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा देन इसकी जो पी है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज

सो so, फ्रिक्शन जो होता है यहाँ पर हमसे पूछा कि फ्रिक्शनल फैक्टर एफ़ के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो जो फ्रिक्शन होता है वो मेनली अगर कहीं पर रफनेस होती है उसकी वजह से जो होता है फ्रिक्शन लगता है तो इसलिए हमारे जो गिवन ऑप्शन हैं उसमें से करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ रिलेटिव रफनेस सो जो रिलेटिव रफनेस होती है उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फैक्टर एफ़ है वो होता है टर्बलिन फ्लो जब हो रहा होता है एक रफ पाइप के अंदर उसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज़ सुटेबल फॉर मेजरिंग अ माइन्यूट प्रेशर डिफ्रेंसेज इन अ फ्लूड सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो एक फ्लूड होता है उसके अंदर जो माइन्यूट प्रेशर डिफरेंसेज होते हैं मतलब बहुत ही कम वाले प्रेशर डिफ्रेंसेज होते हैं उसे मेजर करने के लिए यूज किया जाता है तो गिवन ऑप्शन है हमारे पास डायप्रैग प्रेशर गॉज इंक्लाइन मैनोमीटर सिंपल मैनोमीटर एंड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर सो इसके अंदर से हमारा करेक्ट आंसर इंक्लाइन मैनोमीटर होगा क्योंकि इंक्लाइन मैनोमीटर जो इसके डेफिनेशन के अंदर ही आता है कि ये एक ऐसा मैनोमीटर होता है जो कि माइन्यूट प्रेशर डिफरेंसेस को मेजर करता है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो सेकेंड ऑप्शन होगा दैट इज़ इंक्लाइंड मैनोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो फ्लूइड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है तो फ्लूइड जो है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है ठीक है तो हमारे पास ऑप्शन गैसे, so है गैसेज लिक्विड सॉलिड एंड वेपर सो गैसेज एंड लिक्विड्स जो हैं ये तो फ्लूइड के अंदर आते ही हैं एंड वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड से ही वेपर बनते तो उसके अंदर भी फ्लो करने की कैपेसिटी जो है वो होती ही है तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा सॉलिड्स जो है ये फ्लुइड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड्स नंबर इज इंडिकेटिव ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो गिवन ऑप्शन में से किस चीज को इंडिकेट करता है सो so, जो रेनोल्ड्स नंबर होता है ये होता है रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस एंड रेनॉल्ड्स नंबर जो है इसका मेन रोल ये होता है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन हमारा फ्लूइड है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है उसका स्टेडी फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो है या फिर कौन सा फ्लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि रेनॉल्ड्स नंबर की मदद से हम फ्लूइड फ्लो टाइप जो है उसका पता लगा सकते हैं सो so इसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो गिवन ऑप्शन में से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है तो सबसे पहले हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है इसका फॉर्मूला इक्वल टू होता है डी यू रोड अपॉन नीटा डी जो है वो डायमीटर होता है पाइप का यू जो है वो एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रो जो है ये डेंसिटी होती है नीटा जो है वो विस्कोसिटी होती है तो इस फॉर्मूले से हमें सिंपली ये पता चल रहा है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो जो विस्कोसिटी होती है लिक्विड की उसके ऊपर डिपेंड करता है तो गिवन ऑप्शन हमारे पास है रफनेस ऑफ द पाइप सरफेस एरिया ऑफ द पाइप विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड तो इसमें से करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लिक्विड की विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड्स नंबर मे बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सो रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो किन फैक्टर्स का रेशो होता है तो ये चीज़ हम सिंपली जब रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर हम यही लिखते हैं रेनॉल्ड्स नंबर इज रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्सेज टू विस्कस फोर्सेज तो इसका डायरेक्टली जो है थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो रेशो होता है इनर्शियल फोर्सेज का टू विस्कस फोर्सेज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स इनर्शियल फोर्सेज डिपेंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग सो इनर्शियल फोर्सेज जो होती हैं वो गिवन ऑप्शन में से किसके ऊपर डिपेंड करती हैं फर्स्ट ऑप्शन इज मास मासकेंड ऑप्शन इज मास एंड विलॉसिटी थर्ड ऑप्शन इज मास विलॉसिटी एंड डेंसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन इज मास मासिटी डेंसिटी एंड विस्कोसिटी सो इसका करेक्ट आंसर जो वो थर्ड ऑप्शन होगा क्योंकि इनर्शियल फोर्स जो है वो इक्वल टू होता है मास इन टू एक्सेलरेशन अब मास जो है वो डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड एक्सेलरेशन जो होता है वो विलासिटी के ऊपर डिपेंड करता ही है तो इस तरीके से क्या है जो इनर्शियल फोर्सेज है वो मास विलॉसिटी एंड डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर मैनोमीटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लो मीटर्स सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फ्लो मीटर है जिसके अंदर मैनोमीटर जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर नहीं आता है सो so अगर हम रोटा मीटर जो है उसका कंस्ट्रक्शन देखिए सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है मैनोमीटर यूज नहीं होता है बाकी और मीटर पाइटर ट्यूब एंड वेंचुरी मीटर तीनों के अंदर ही जो है मैनोमीटर का रोल रहता है तो इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रोटामीटर हो जाएगा इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वहाँ से हमें ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज हैविंग अ सिंगल टेपर्ड सेक्शन फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लू ऑफ फ्लूइड्स सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर सिंगल टेपर्ड सेक्शन प्रेजेंट होता है ठीक है तो हमारे पास चार ऑप्शन ऑरिफिस मीटर पाइटर ट्यूब वेंचुरी मीटर एंड रोटा मीटर ठीक है तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास जो रोटा मीटर होता है इसके अंदर एक सिंगल टेपर्ड सेक्शन प्रेजेंट होता है ये चीज़ हम जब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसके अंदर हमें ईजिली समझ में आ जाएगी एंड बाकी तीनों के अंदर सिंगल टेपर्ड सेक्शन नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज अ थिन प्लेट फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो थिन प्लेट को यूज़ करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के मेजरमेंट के अंदर सो so हमारे पास ऑप्शन वही हैं इसके अंदर से थिन प्लेट का नाम जो है वो हमें औरिफिस मीटर के अंदर सुनने को मिलता है ओरिफिस मीटर जो है ये एक टाइप ऑफ थिन प्लेट ही होता है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑरिफिस मीटर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज़ रिडक्शन कैन नॉट बी ऑप्टेंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मैथड है जिसके द्वारा साइज़ रिडक्शन हम नहीं कर सकते साइज़ रिडक्शन का सिंपली मतलब होता है कि लार्ज साइज के पार्टिकल्स को स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट करना सो so हमारे पास ऑप्शन क्या क्या फ्लॉक्यूलेशन मैकेनिकल फिजिकल एंड प्रेसिपिटेशन सो इसमें क्या होता है कि जब हमने इस यूनिट के वीडियो लेक्चर्स देखे थे तो वहाँ हमने देखा था कि साइज़ रिडक्शन जो है इसके मैकेनिकल एंड प्रिसिपिटेशन मैथड्स हो सकते हैं एंड यहाँ पर फिजिकल का मतलब क्या होता है फिजिकल का मतलब टेम्परेचर प्रेशर होता है तो प्रेशर अप्लाई करने से भी साइज़ रिड्यूस हो जाता है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज़ फ्लॉक्यूलेशन फ्लॉक्यूलेशन जो होता है इसके द्वारा साइज़ रिडक्शन नहीं होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच मिल इज़ प्रिफर्ड फॉर वेट ग्राइंडिंग सो वेट ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल जो है वो प्रेफर होती है सो हैमर मिल ये नहीं होती है वेट ग्राइंडिंग के लिए इसके डिसएडवेंटेज होता है कि वेट ग्राइंडिंग के अंदर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं सेकेंड इज कोलोइड मिल कोलोइडल मिल जो होती है ये बेस्ट मिल होती है वेट ग्राइंडिंग के लिए सो so, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज रिडक्शन ऑफ पोटेंट मटीरियल इज नेसेसरी फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म तो साइज रिडक्शन जो किया जाता है मटीरियल्स का वो किस लिए ज़रूरी होता है मतलब कौन सा क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर है जिसके लिए साइज रिडक्शन जो है वो जरूरी होता है जब डोजेज फॉर्म को बनाया जाता है तब सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन है जो कंटेंट है उसकी यूनिफॉर्मिटी हो जाती है साइज़ रिडक्शन करने की वजह से यही जो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है एक एडवांटेज भी होता है साइज रिडक्शन का तो इसलिए साइज़ रिडक्शन जो है इसे करने का एक मेन रीज़न होता है कि इसकी वजह से हमें कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है मतलब जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें भी हम रिड्यूस कर सकते हैं साइज़ रिडक्शन की मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज रिडक्शन ऑफ मटीरियल हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो साइज रिडक्शन का डिसएडवेंटेज है सो फर्स्ट ऑप्शन इज हाई डिग्रेडेशन तो ये इसका डिसएडवेंटेज होता है क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमें ड्रग को जितना तोड़ना होता है वो उससे भी ज्यादा टूट जाती है तो इस वजह से ड्रग जो है वो खराब ही हो जाती है तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है सेकेंड हाई डिसोल्यूशन ये जो है एक एडवेंटेज होता है देन हाई फ्लो ऑफ मटीरियल्स ये भी इसका एडवेंटेज होता है एंड हाई सर्फेस एरिया ये भी इसका एडवांटेज ही होता है सो so, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हाई डिग्रेडेशन जो एक है एक डिसएडवांटेज है साइज रिडक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ स्ट्रेस एंड साइज़ रिडक्शन सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो स्ट्रेस अप्लाई करने का मैथड नहीं होता है जब हम साइज रिडक्शन करते हैं उस टाइम पे सो so यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें क्लासिफिकेशन कोलिजन कंप्रेशन एंड कटिंग सो इससे हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है कि क्लासिफिकेशन जो है इससे किसी भी तरीके से साइज़ रिडक्शन नहीं हो सकता है इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देन उसके बाद में कोलिजन कंप्रेशन एंड कटिंग ये तीनों ही मैकेनिज्म या फिर मूड ऑफ स्ट्रेस होते हैं साइज़ रिडक्शन के अंदर सो so इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मोड्स ऑब्जर्व इन अ बॉल मिल फॉर साइज रिडक्शन सो बॉल मिल जो है इसके अंदर साइज रिडक्शन के लिए कौन से मोड्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं मतलब कौन सा मैकेनिज्म उसके अंदर होता है साइज रिडक्शन के लिए सो so, सिंपली अगर हम सीधे सीधे ही देखें तो बॉल मिल के अंदर क्या होता है कि जो मेटल का सिलेंडर होता है उसके अंदर स्टील की बॉल्स को डाल दिया जाता है एंड जो मटीरियल होता है उसे डाल दिया जाता है तो उसके अंदर एक तो क्या होता है कि बॉल्स के बीच में पार्टिकल्स के बीच में इम्पैक्ट अप्लाई होता है एक दूसरे के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से स्ट्राइक करते हैं इस वजह से साइज़ रिडक्शन होता है दूसरा जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि बॉल्स एंड मटेरियल के बीच में प्रेशर अप्लाई होता है जिसकी वजह से साइज़ रिडक्शन होता है सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ये दोनों जो हैं ये दोनों मेकेनिज्म होते हैं बॉल मिल के अंदर साइज़ रिडक्शन के लिए अगर हम बॉल मिल का प्रिंसिपल देखें उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि बॉल मिल के अंदर साइज़ रिडक्शन जो है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन की मदद से होता है सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मिल इंक्लूड्स अ स्क्रीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइज रिडक्शन सो कौन सी मिल गिवन ऑप्शन में से ऐसी है जो कि एक स्क्रीन को यूज़ करती है साइज रिडक्शन के इंटीग्रल पार्ट के रूप में ठीक है सो so इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बॉल मिल सेकेंड है कोलोइडल मिल थर्ड है एजरनर मिल एंड फोर्थ है हैमर मिल सो so, अगर हम इन सारी मिल्स का कंस्ट्रक्शन देखें कंस्ट्रक्शन को याद करें तो उससे हमें याद आएगा कि जो हैमर मिल है उसके कंस्ट्रक्शन के अंदर एक स्क्रीन होती है जिससे पार्टिकल्स पास होकर के रिसीवर के अंदर आ जाते हैं ठीक है सो so इसका करेक्ट आंसर होगा हैमर मिल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रिंसिपल ऑपरेट्स इन द हैमर मिल सो हैमर मिल के अंदर कौन सा प्रिंसिपल जो है वो ऑपरेट होता है सो सिंपली एंड जब हमने नोट्स के अंदर पढ़ा था हमें पता है कि हैमर मिल जो है इसके अंदर इम्पैक्ट वाला जो है वो प्रिंसिपल इसके अंदर लगता है सो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइज़ रिडक्शन प्रोसेस गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो साइज़ रिडक्शन प्रोसेस नहीं है सो so जब हमने साइज रिडक्शन टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ हमने ये देखा था कि साइज़ रिडक्शन जो है इसे कमीनशन डिमिन्यूशन एंड पल्वराइजेशन भी कहा जाता है तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये साइज़ रिडक्शन प्रोसेस नहीं है एंड क्लैरिफिकेशन जो है ये थोड़ा फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाता है तो ये साइज़ रिडक्शन प्रोसेस नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ द मिल दैट डज नॉट इन्वॉल्व शेयरिंग मैकेनिज़्म फॉर साइज़ रिडक्शन सो गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी मिल है जिसके अंदर शेयरिंग जो है वो साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म के रूप में यूज़ नहीं होती है सो कोलोइड मिल जो है इसके अंदर कहीं ना कहीं शेयरिंग यूज़ होती है एज रनर मिल एंड एन रनर मिल इन दोनों का तो प्रिंसिपल ही शेयरिंग होता है एंड हैमर मिल जो है इसके अंदर शेयरिंग का कोई रोल नहीं रहता इसके अंदर जो है इम्पैक्ट का प्रिंसिपल अप्लाई होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स सो साइज क्लासिफिकेशन जो है उसे हम गिवन ऑप्शन में से और क्या कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज साइज एनालिसिस सो ये इसका टर्म नहीं होगा सेकेंड इज साइज डिस्ट्रीब्यूशन सो ये भी नहीं होगा थर्ड इज साइज रिडक्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा एंड फोर्थ ऑप्शन है साइज सेपरेशन सो साइज क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम अलग अलग साइज के पार्टिकल्स जो हैं उन्हें एक साथ करें मतलब एक साइज का एक साथ एक साइज का एक साथ तो इसी चीज़ को जो है साइज सेपरेशन भी कहा जाता है सो so इसका करेक्ट आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइज सेपरेशन इज नॉट बेस्ड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सो गिवन ऑप्शन में से किस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है साइज सेपरेशन डिपेंड नहीं करता है सो फर्स्ट ऑप्शन इज पार्टिकल डेंसिटी सेकेंड इज पार्टिकल शेप थर्ड इज़ पार्टिकल साइज एंड फोर्थ इज पार्टिकल टेक्सचर सो जब हमने साइज सेपरेशन जो है इसका वीडियो लेक्चर डिस्कस करा था जहाँ हमने साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि डेंसिटी शेप एंड साइज इन तीनों के ऊपर ही साइज सेपरेशन का प्रोसेस जो है वो बेस्ड होता है सो so, इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा पार्टिकल टेक्स्चर के ऊपर साइज सेपरेशन डिपेंड नहीं करता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर सो नॉमिनल

नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लाई व्हील इज यूज टू एनहांस द मोशन ऑफ पार्टिकल्स बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स सो जो फ्लाई व्हील होता है उसे यूज़ किया जाता है जिससे कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स को एनहांस किया जा सके तो किस मोड या फिर किस ऑफ़ साइज सेपरेशन के अंदर फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है सो so, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रशिंग मोड सेकेंड ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगल मोड थर्ड ऑप्शन इज गायरेशन मोड एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑसिलेशन मोड सो जब इन चारों मोड ऑफ साइज सेपरेशन के हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी तो गायरेशन मोड जो है इसके अंदर हमने फ्लाई व्हील को यूज़ किया था जिससे कि पार्टिकल्स जो तो है उनके मोशन को बढ़ाया जा सके सो so, इसका करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द डिसडवेंटेज ऑफ द सीव सेकर मेथड सो जो सीव शेकर मशीन को हम यूज़ करते हैं साइज़ सेपरेशन के लिए उसका डिसएडवेंटेज जो है वो क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन इज एट्रीशन सेकेंड ऑप्शन इज कैपेसिटी लिमिटेड थर्ड ऑप्शन इज़ एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन इज टी सीव शेकर मेथड जो है इसके अंदर क्या होता है बहुत सारी सीव्स अलग अलग सीव नंबर के अरेंज होते हैं उसके अंदर हम मशीन को चालू कर देते हैं तो उसके अंदर क्या है साइज सेपरेशन होने लग जाता है बट इसमें क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो एक दूसरे से कोलाइड होता है तो एट्रीशन जो है इसके अंदर अप्लाई होता है जिसकी वजह से साइज रिडक्शन जो है वो हो जाता है तो एट्रीशन जो है ये इसका डिसएडवांटेज होता है सो करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एयर सेपरेटर सेंट्रिफिकल फोर्स फॉर द सर्कुलेशन ऑफ एयर इज़ अप्लाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग वेज सो जो एयर सेपरेटर होता है उसके अंदर जो सेंट्रिफिकल फोर्स होती है वो किस तरीके से अप्लाई होती है फर्स्ट ऑप्शन इज अप्लाइंग वैक्यूम सेकेंड ऑप्शन इज एटमाइजिंग एयर थर्ड ऑप्शन इज पंपिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज रोटेटिंग ब्लेड्स सो जब हम एयर सेपरेटर का कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो उसके अंदर रोटेटिंग ब्लेड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जिससे कि साइंटिफिकल फोर्स जो है वो अप्लाई होती है सो तो so, इसका करेक्ट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज रोटेटिंग ब्लेड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द मटीरियल दैट रिमेन्स ऑन द गिवन स्क्रीनिंग सर्फेस सो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कौन सी गिवन ऑप्शन में से वो टर्म है जिसे यूज़ किया जाता है जब जो मटीरियल है स्क्रीनिंग सर्फेस के ऊपर जो रह जाता है उसके लिए सो so, ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी जो मटेरियल स्क्रीनिंग सर्फेस के ऊपर रह जाता है उसे जो है प्लस मटेरियल या फिर ओवर साइज मटीरियल कहा जाता है सो so, इसका करेक्ट आंसर जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज प्लस मटेरियल नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फॉलोइंग एड्स इन साइज सेपरेशन ऑफ सीव शेकर मशीन सो जो सीव शेकर मशीन होती है उसके अंदर गिवन ऑप्शन में से क्या चीज़ जो है वो साइज सेपरेशन में मदद करती है तो so, जब हमने सीव शेकर मशीन के बारे में पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि जो सीव शेकर मशीन है उसका प्रिंसिपल होता है एजिटेशन मतलब शेकिंग होती है उसके अंदर जिसकी मदद से जो है साइज सेपरेशन होता है सो so, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज एजिटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग फोर्सेज यूज इन साइक्लोन सेपरेटर फॉर साइज सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स सो साइक्लोन सेपरेटर जो होता है उसके अंदर कौन सी फोर्सेज को यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स के सेपरेशन के लिए सो साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि वो सेंट्रिफिकल फोर्स मैथड के ऊपर बेस्ड होता है सो so इसका करेक्ट आंसर जो है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सेंट्रिफिकल फोर्सेज लास्ट क्वेश्चन इज चूज़ द इक्विपमेंट इन विच फिल्टरिंग पीरियड एंड शेकिंग पीरियड आर अल्टरनेटिवली ऑब्जर्वड सो गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर फिल्टरिंग पीरियड एंड शेकिंग पीरियड जो है इन्हें अल्टरनेटिवली देखा जाता है तो हमने जब बैक फिल्टर के बारे में पढ़ा था उसके अंदर हमने दो डायग्राम देखे थे एक तो था जिसके अंदर फिल्टरिंग पीरियड चल रहा था और दूसरा था जिसके अंदर शेकिंग पीरियड चल रहा था सो so इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बैक फिल्टर ठीक है सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने थे वो कम्प्लीट हो सो so, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए